हेलो एवरीवन, आई होप कल जो मैंने आपको कराया था वो समझ में आया होगा, और आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का वो ये है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो पहला इम्पोर्टेंस ये कहता है कि मैनेजमेंट जो होता है हमें ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद करता है। वो कैसे करता है चलिए हम देखते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, मैनेजमेंट एक टीम क्रिएट कर रहा है एंड कोऑर्डिनेट्स विद इंडिविजुअल। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट एक टीम क्रिएट कर रहा है और साथ में जो उसके अंदर इंडिविजुअल्स हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, और साथ ही उसके इंडिविजुअल गोल भी इससे पूरे होते हैं, साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी पूरा हो रहा है। क्योंकि जब इंडिविजुअल गोल किसी का पूरा होगा तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी पूरा ही होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और मैंने इफेक्टिवली दोनों के ऊपर आपको एक टॉपिक कराया था। एफिशिएंटली का यहाँ पे मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम कर रहा है, मतलब कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये अच्छी चीज़ें आपको बना के दे रहा है और कॉस्ट कटिंग कर रहा है जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ता है। तो देखिए इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैंने भी आपको जस्ट बताया था कि ये रिसोर्सेज को उस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वेस्टेज जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमारे काम की बढ़ जाती है और ये प्रॉफिट मार्जिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है, डैट इज क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो अपने आप को बाहर की एक्सटर्नल फैक्टर से अडाप्ट करता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज ओवरकम देयर रेसिस्टेंस टू चेंज एंड अडाप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन। अब मान लीजिए कल की हमारी डिमांड थी कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करने, बट आज हमारा डिमांड आता है कि हमें 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने पर डे, तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंस है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, अब मोटिवेशन और लीडरशिप कौन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल इन अचीविंग पर्सनल गोल वाइल वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए जब भी किसी इंसान का पर्सनल गोल पूरा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हमेशा ऐड ही करेगा, हमेशा उसको और बढ़ाएगा आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखिए वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो देखिए ध्यान से, मैनेजमेंट क्या करता है, मदद करता है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सोसाइटी को दे पाए और रीजनेबल रेट्स पे दे पाए, साथ ही वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है जिसकी वजह से सोसाइटी का वेलफेयर होता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से पॉइंट्स आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अब मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। हमारा थर्ड पॉइंट है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ पॉइंट है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए एक पिरामिड बनाया हुआ है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है बट आप देख सकते हैं जैसा ही बना है। तो इसके माध्यम से मैं अभी आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूँ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए तीन लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और फर्स्ट लेवल, लोअर लेवल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉप लेवल है इसके अंदर होता क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो लेवल है इसके अंदर प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, वाइस प्रेसिडेंट, ये लोग आते हैं। मिडल लेवल की बात करें तो मिडल लेवल में डिपार्टमेंट हेड, ब्रांच मैनेजर और डीन ऑफ स्कूल आते हैं। अब फर्स्ट लेवल या लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल में सुपरवाइजर, फोरमैन या ऑफिस मैनेजर आते हैं। तो चलिए अब इसके फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं कि इनका फंक्शन होता क्या है। तो टॉप लेवल की अगर हम बात करें जो सबसे टॉप पे है, एक्चुअली वो करता क्या है, वो सबको कंट्रोल करता है। तो पहला फंक्शन उसका यही है कि वो सबको कंट्रोल करता है, साथ में वो क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको फॉलो करेगी, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड अप्रूविंग बजट। तो देखिए ये भी इसका फंक्शन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब अगर हम मिडल लेवल की बात करते हैं
तो मिडिल लेवल में जो टॉप लेवल ने जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाई हैं उसको एग्जीक्यूट करना मिडिल लेवल का काम होता है। वो किस तरीके से करेंगे, वो एम्प्लॉयज अपॉइंट करेंगे, साथ ही साथ टाइम टू टाइम उसको मोटिवेट करते रहेंगे जिससे कि टॉप लेवल का काम वो एग्जीक्यूट कर पाए। अब आती है बात लोअर लेवल की, तो लोअर लेवल में क्या होता है, जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल ने जो काम दिया है, जो पॉलिसीज बनाई हैं और जिस तरीके से काम करना है उसको ये इम्प्लीमेंट करती है। साथ ही वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई लड़ाई होती है या कोई उनके कंप्लेंट्स होते हैं तो उनको मिडिल लेवल तक पहुंचाना, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट से तो बात नहीं कर सकते, तो उसका एक लिंक भी होता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच का जो लिंक होता है वो कौन होता है, सुपरवाइजर होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो डेटा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम करते हैं ड्यूटीज असाइन करते हैं और उसके बाद जो टास्क होते हैं उसकी ग्रुपिंग करते हैं और एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम अथॉरिटी किसको दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं। बेसिकली जो आपने प्लान किया है उसको ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज फाइंड आउट करके उसको एक जगह इकट्ठा करना ताकि आप आगे का काम स्टार्ट कर सको। नेक्स्ट है स्टाफिंग। तो अब आपने वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों कर लिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टाफिंग का, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब अपने एम्प्लॉइज को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे। अब फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टिंग। अब आपने एम्प्लॉइज भी रख लिया है तो उसके बाद का प्रोसेस ये है कि उनको डायरेक्ट करना, उनको मोटिवेट करना कि किस तरीके से काम करना है और क्या नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग, जो लास्ट फंक्शन है इसका मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक्टिविटीज हो रही है उसको मॉनिटर करना टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो क्या जो एक्टिविटीज हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ये सारा ध्यान कंट्रोलिंग के द्वारा रखा जाता है। आप क्या टारगेट सेट करोगे और अगर इनकेस वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे तो टारगेट को चेंज करना भी वो सब कंट्रोलिंग का काम होता है, कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपने परफॉर्मेंस सेट करी थी उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कौन निकालता है, कंट्रोलिंग निकालता है। बाकी जो आपके तीन टॉपिक्स बच गए वो कल की क्लास में मैं खत्म कराऊंगा, उसके बाद केस स्टडीज, एमसीक्यूज और वर्ड करेंगे।